दोस्तों कभी आपने सोचा है आपके फनी दोस्तों के साथ जो आप मस्ती करते हैं वो आपको एक दिन सुपर सक्सेसफुल बना सकते हैं। दोस्ती और सेंस ऑफ ह्यूमर से अपने आप को यूट्यूब का किंग बना दिया। मैं बात कर रहा हूँ हर्ष पेरिवर की। उसने अपने कंटेंट पे विश्वास बनाए रखा, दोस्तों की एनकरेजमेंट ने उसको मोटिवेट कर दिया और फिर एक दिन आया उसका एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू वीडियो। इसमें उसने अपने लाइफ के रियल एक्सपीरियंसेस और ह्यूमर को मिक्स किया। अगर आप अपने असली सेल्फ और अपने इंटरेस्ट को वैल्यू देते हो तो दुनिया आपको जरूर से नोटिस करती है। दोस्तों कभी आपने सोचा है आपके फनी दोस्तों के साथ जो आप मस्ती करते हैं वो आपको एक दिन सुपर सक्सेसफुल बना सकते हैं। आज मैं आपको एक ऐसे बंदे की कहानी सुनाने वाला हूँ जिसने अपनी दोस्ती और सेंस ऑफ ह्यूमर से अपने आप को यूट्यूब का किंग बना दिया। मैं बात कर रहा हूँ हर्ष बेनीवाल की। हर्ष बेनीवाल सिंपल दिल्ली का लड़का था जो कि शुरू में थोड़ा फनी भी था। जगह पे मस्ती और दोस्तों के साथ फन करना उसका पैशन सा बन गया था, लेकिन यूट्यूब पे आने का आइडिया एक दिन दोस्तों के साथ मजाक करते हुए ही आया था। हर्ष ने अपनी मस्ती को वीडियोस में उतारा और यूट्यूब पर अपलोड किया। वीडियोस बनाना और उसे वायरल करना बहुत ही ज्यादा टफ हो रहा था। हर्ष के इनिशियल वीडियोस को तो बिल्कुल ही व्यूज नहीं मिल रही थी। हर दिन सोचता था क्या ये सही काम कर रहा है कि नहीं, लेकिन उसने अपने कंटेंट पे विश्वास बनाए रखा। दोस्तों की एनकरेजमेंट ने उसको मोटिवेट कर दिया और फिर एक दिन आया उसका एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू वीडियो। इसमें उसने अपने लाइफ के रियल एक्सपीरियंसेस और ह्यूमर को मिक्स किया। आज हर्ष बेनीवाल सिर्फ यूट्यूबर ही नहीं कि एक एक्टर और इन्फ्लुएंसर भी बन गया है, लेकिन ये सक्सेस अपने पैशन और अपने असली दोस्तों के साथ इवन मस्ती को वैल्यू देने से ही आई है। दोस्तों हर्ष की कहानी हमें ये बताती है कि अगर आप अपने असली सेल्फ और अपने इंटरेस्ट को वैल्यू देते हो तो दुनिया आपको जरूर से नोटिस करती है। कभी भी अपने ट्रू सेल्फ को छोड़ना मत और किसी की कॉपी मत करना, चाहे आपको कितनी भी स्ट्रगल सीखने पड़े। हर्ष बेनीवाल की ये जर्नी एक परफेक्ट एग्जांपल है कि अगर आपके सपने में पैशन और मजा है तो स्ट्रगल्स भी फन बन जाते हैं। एक और जबरदस्त खाने के साथ मिलता हूँ वीडियो में। साइनिंग ऑफ कृष्णा।